अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लोकतंत्र सेनानी मलखान सिंह भारद्वाज की प्रतिमा का अनावरण समारोह में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल आज बजा दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियां चाहे कोई भी हो, सभी का उद्देश्य भाजपा को रोकना व जनता को लूटना रहा है। बेहद सम्मानजनक लहजे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चाहे राहुल जी हों या फिर प्रियंका जी या फिर अजीत सिंह जी, चुनावी माहौल में ही प्रदेश में नजर न आए, यहाँ रहकर वे काम करें। डिप्टी चीफ का यह भी कहना था कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में माफियाओं का राज खत्म हुआ है। 24 माफिया जेल जा चुके हैं जबकि बाकी अन्य दूसरे प्रदेशों में शरण लिए हुए हैं। डिप्टी सीएम ने श्रम कल्याण मंत्री सुनील भराला के पिता के बारे में कहा कि मलखान सिंह भारद्वाज जनसंघ से चुनाव लड़े, उस समय जनसंघ से चुनाव लड़ना बेहद कठिन था, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आइए देखते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर का संबोधन। खाद के लिए अब लाठीचार्ज नहीं हो रहा है, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, घर का शौचालय का निर्माण कर रहे हैं और पढ़ने के लिए नकल विहीन परीक्षा के रूप में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके उसकी शैक्षिक व्यवस्था कर रहे हैं। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है जिसमें हम अभी तक सरकारी नौकरियों में 4,12,000 सरकारी नौकरी दे चुके हैं। अभी तक लगभग 15,00,000 नौकरियां हम आईटी सेक्टर में दे चुके हैं, लगभग 30,00,000 नौकरियां हम विभिन्न निजी क्षेत्र के उद्योगों में दे चुके हैं। हमारा प्रयत्न है कि स्टार्टअप शुरू हो, स्टार्टअप के माध्यम से नौकरी रोजगार का सृजन हो। विपक्ष को सभी को अधिकार है और मैं हमेशा कहता हूँ कि आदरणीय राहुल जी अगर किसानों के बीच में 5 साल रहे तो ज्यादा अच्छा होगा, आदरणीय प्रियंका जी किसानों के बीच में 5 साल रहे तो अच्छा होगा, आदरणीय अजीत सिंह जी हमेशा हमेशा चुनाव के समय काय को देखते हैं, पहले को नहीं आते, पहले भी आना चाहिए और समाजवादी पार्टी को तो किसान को कोई मतलब ही नहीं दिखाई पड़ता। मैं यही कहना चाहता हूँ चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, भाकपा हो, ये कांग्रेस हो, ये लोकदल हो, ये कोई भी दल हो, ये दल अलग अलग झंडों के आधार पर चलते हैं लेकिन इनका एक ही मन और मानसिकता है, इनकी विचारधारा एक ही है। इनकी विचारधारा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आने पाए, जनता का काम ना होने पाए, ये अभिलाषा लेकर ये अलग अलग झंडों और बैनरों के नीचे केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का काम करते हैं। इसलिए आज का ये कार्यक्रम जो है आप सबको मैं बधाई देते हुए इस विद्यालय को बधाई देते हुए यही कहूंगा कि समाज के परिवर्तन के लिए आपको चैतन्य भाव में तैयार रहने की आपको मेरी सिफारिश है और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग ऐसे अवसर पर एकजुट होकर फिर से राष्ट्र के निर्माण में अपने आप को समर्पित करते हुए कोरोना संक्रमण का ये जो COVID-19 की गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए हम सब लोग सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में सहभागी बने। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।